नमस्कार, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली एकमात्र ऐसे नेपाली आदमी हैं जो भारत को दो बार बुरी कदर हिला दिए हैं। राम का जन्म नेपाल में हुआ, इस पर पूरी भारतीय जनता हिल गई थी और काला पानी का नक्शा पास करके इन्होंने भारतीय सरकार को भी बुरी कदर हिला दिया। अब इनका नया बयान है कि योग की उत्पत्ति नेपाल में हुई और जब योग की उत्पत्ति हुई तब भारत नाम का कोई देश पैदा भी नहीं हुआ था। तो आज देखते हैं क्या पीएम ओली ने सही कहा कि गलत कहा, क्योंकि दोस्तों हम जो बात करेंगे वो निष्पक्ष तरीके से करेंगे। TV9 भारतवर्ष ने कह दिया है कि चीन के इशारे पर ओली ने ऐसा कहा और आने वाले समय में और चैनल भी ऐसा बोलने वाले हैं, इंडिया के जितने भी टीवी चैनल हैं। तो इस भाग में हम बात करेंगे कि क्या योग की उत्पत्ति सच में उत्तराखंड या नेपाल में या हिमालय में हुई है। दूसरा बात करेंगे कि क्या चीन के इशारे में नेपाल ऐसा कर रहा है, और तीसरा कुछ योग के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि हमें भी योग की बहुत अच्छी जानकारी है। योग की एक क्रिया ऐसी बताएंगे आपको जिससे धन का लाभ भी होता है, यानी आप यदि ऐसा करते हैं तो आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। एक यौगिक चीजें आपको हम बताएंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब से मनुष्य उत्पन्न हुआ है, मनुष्य पैदा हुआ है, वो लगभग तभी से योग कर रहा है। नेपाल में एक या हिमालय में एक कांति सरोवर नाम की एक झील है, ठीक है, कांति सरोवर। बताया जाता है कि वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि लोग शिव की पूजा करते थे और तब योग करते थे, और फिर वो लोग पूरी दुनिया में गए और योग की शिक्षा उन्होंने पूरी दुनिया को दी। शिव को ही योग का जन्मदाता कहा जाता है, यानी शिव ने ही योग को पैदा किया। और नेपाल हो या उत्तराखंड हो, ये शिव भूमि है। अगर आप हिंदू परंपरा में भरोसा करते हैं तो उत्तराखंड और नेपाल शिव की भूमि मानी जाती है और शिव ही योग के जनक माने जाते हैं। तो ये जो ऋषि थे, सात ऋषि बताते हैं कि इन लोगों ने हिमालय में योग किया और शिव को अपना गुरु मान के योग के मामले में बहुत कुछ जाना, और फिर ये पूरी दुनिया में गए और लोगों को शिक्षाएं दी। पतंजलि जो है योग के बारे में सबसे ज्यादा लिखने वाले आदमी, उन्होंने भी हिमालय में तपस्या की है। गुरु गोरखनाथ ने भी नेपाल के गोरखा जिले में तपस्या की है, वो भी एक महान योगी थे। यानी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने शिव को अपना गुरु मान के हिमालय में योग की शिक्षा ली है, योग किया है और वहां से पूरी दुनिया में योग को फैलाया है, ठीक है। अब इसमें एक और विचारधारा है, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, तो इसमें क्या हुआ, जब खुदाई हुई तो बहुत सारी पत्थर से बनी ऐसी मूर्तियां निकली जो कि योग कर रही है। देखिए, जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं थी तब हिंदू नाम का कोई शब्द मौजूद नहीं था, और जब ऋषि मुनि लोग हिमालय में तपस्या करने जाते थे या करते थे तब भी हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं था, क्योंकि हिंदू जो शब्द है ये लगभग 1500 साल पहले आया है। हिंदू हमें विदेशी लोग कहते हैं, हमारी जो परंपरा है, धर्म है, वो सनातनी धर्म है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और हिमालय पे तपस्या करने वाले लोगों में कौन ज्यादा पुराना है, उसी ने योग की खोज की है। और हिंदू परंपरा के अनुसार शिव को योग का जनक माना जाता है और नेपाल या उत्तराखंड को शिव भूमि माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, योग की उत्पत्ति हिमालय में ही हुई है। अब दूसरा बात करते हैं कि भारतीय मीडिया ने कहा कि चीन के इशारे पर नेपाल ने ऐसा कहा, ठीक है। तो दोस्तों, चीन के इशारे पे तो नहीं कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ओली ने जब नक्शा पास किया था तो उस समय भी यही कहा गया था कि चीन के इशारे पे किया। देखिए, ये चीन के इशारे पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं भी पहले यही समझता था कि ये चीन के इशारे पे है, लेकिन जब मैं इसकी गहराई में घुसा तो मुझे लगा कि ये चीन के इशारे पे बिल्कुल नहीं है। जैसे पूरे भारतीय लोग सोचते हैं कि काला पानी का नक्शा नेपाल ने चीन के इशारे पर पास किया। आपको पता है कि 1990 में नेपाल में एक नारा शुरू हुआ था, भारतीय सेना काला पानी छोड़।
दोस्तों आजकल ये नारा एक मैं सचेत नेपाली एक पार्टी चलती है नेपाल में, पुण्य प्रसाद परसाई चलाते हैं और वो झंडा लेके घूमते रहते हैं और बोलते रहते हैं, नारा लगाते रहते हैं, भारतीय सेना काला पानी छोड़। भारत और नेपाल के जो युवा पीढ़ी है वो सोचती होगी कि भारतीय सेना काला पानी छोड़ वाला जो नारा है वो शायद पुण्य प्रसाद परसाई का नया नारा है। नहीं दोस्तों, ये नारा जो है 1990 का है, ठीक है, और 2006-07 के दौरान नेपाल की घरों की किसी किसी दीवार में या फैक्ट्रियों की किसी किसी दीवारों में ये लिखा हुआ मिलता था, भारतीय सेना काला पानी छोड़। तो कह सकते हैं कि काला पानी का जो विवाद है वो बहुत पुराना है और 1990 से ये तेज हुआ। और तेज तो आप जानते ही हैं कि भारत ने कुछ नेपाल पे प्रेशर बढ़ा दिया था, तो नेपाल ने भी सोचा कि तुम्ही को प्रेशर देना नहीं आता है, हमको भी प्रेशर देना आता है। और तब नेपाल ने काला पानी का प्रेशर भारत पर दिया था। काला पानी का नक्शा शेर बहादुर देउवा, माधव नेपाल, बाबूराम भट्टराई, ये सब पास करवाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन इनकी किसी की हिम्मत नहीं हुई और प्रधानमंत्री ओली ने पास कर दिया। वो कैसे कर दिया? क्योंकि प्रधानमंत्री ओली को जब लगा कि मेरी सीट जाने वाली है और तब उन्होंने ये नक्शा पास किया, क्योंकि ये नक्शा पास करने के बाद वो नेपालियों की नजर में हीरो बन गए, क्योंकि ये काम कई साल से कोई नहीं कर पा रहा था। भारत की जनता यदि ऐसा सोचती है कि काला पानी का विवाद ताजा ताजा उठा है नेपाल और भारत के बीच में, तो ये 100% गलत है। काला पानी का विवाद तो 1962 से ही है, लेकिन 1990 से ये तेज हुआ है और भारतीय जनता की नजर में ये अब आ रहा है। अब भारतीय जनता को लग रहा है कि ये शायद नया नया विवाद होगा। नहीं दोस्तों, ये पुराना ही विवाद है, काला पानी छोड़ भारतीय सेना, ये बहुत पुराना नारा चलता है नेपाल में। काला पानी का नक्शा चीन के इशारे पे बिल्कुल पास नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री ओली ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए काला पानी का नक्शा पास किया, ठीक है, क्योंकि वो नेपाली जनता में हीरो बन गए थे काला पानी का नक्शा पास करवाने के बाद। देखिए, भारत नेपाल चाहे कोई भी हो, किसी भी देश का नेता हो, वो देश से ज्यादा कुर्सी से प्यार करता है और कुर्सी पे यदि उसे टिका रहना है किसी भी नेता को, तो उसे अपने को देशभक्त शामिल बताना पड़ेगा जनता को कि मैं देशभक्त हूँ, क्योंकि जनता जानती है कि देशभक्त आदमी सही होता है। इसलिए प्रधानमंत्री ओली ने अपने को नेपाली जनता की नजर में देशभक्त साबित करने के लिए काला पानी का नक्शा पास किया। तो ये जो विवाद है काला पानी का, ये चीन के इशारे पे नहीं हुआ है। अब राम का जन्म नेपाल में हुआ, ये भी जो विवाद है ये किसी देश के बहकावे में नहीं हुआ है, बल्कि प्रधानमंत्री ओली ने जनता की नजर में हीरो बनने के लिए कहा कि राम का जन्म नेपाल में हुआ। और इस समय प्रधानमंत्री ओली को काफी खतरा है कुर्सी का, ठीक है, इसलिए प्रधानमंत्री ओली कोई ना कोई काम ऐसा जरूर करेंगे जिससे वो नेपाल की जनता की नजर में हीरो बने। ये चीन के इशारे पे बिल्कुल नहीं हुआ, उनको तो अपने को नेपाल की जनता को ये दिखाना है कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूं, इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया कि योग की उत्पत्ति नेपाल में हुई। बाकी हमने आपको बता ही दिया है कि योग की उत्पत्ति का संबंध कहीं ना कहीं शिव भूमि यानी हिमालय से जरूर है। सीधा ये भी कह दें कि योग की उत्पत्ति हिमालय में ही हुई है तो गलत नहीं होगा, यानी ये भी एक ठीक ही बात है कि योग की उत्पत्ति हिमालय में ही हुई है। अब चाहे उत्तराखंड में हुई हो, नेपाल में हुई हो, हिमाचल में हुई हो, सिक्किम में हुई हो, लेकिन योग की उत्पत्ति हिमालय में तो जरूर हुई है। अब थोड़ा योग के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम योग बताते ही नहीं, योग करते भी है। अब थोड़ा योग के बारे में बताते हैं। योगा कर्मसु कौशलम या चित्त वृत्ति निरोध या योग यानी जोड़, हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति का जोड़ उस शक्ति से करते हैं जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, उसे भी योगी कहते हैं। कर्मों में कुशलता यानी अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करना, इसको भी योगी कहते हैं। चित्त वृत्ति निरोध यानी अपने मन से सारे विकारों को खत्म कर देना, अपनी इच्छाओं को नष्ट कर देना, इसको भी योग ही कहते हैं। आप जो योग के बारे में जानते हैं कि एक साधारण व्यायाम है योग, तो आप बिल्कुल गलत जानते हैं। योग एक साधारण व्यायाम बिल्कुल नहीं है। योग मनुष्य को नर से नारायण बनाने की ओर ले जाती है, यानी जो शक्ति हमारे शरीर को चलाती है इस शक्ति का जोड़ हम करवा देते हैं उस शक्ति से, जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला देती है।
साधारण भाषा में समझे कि आत्मा का मिलन परमात्मा से करवाना, ये बोलचाल की भाषा है। और जब आप योग के बारे में दिन प्रतिदिन जानते रहेंगे, तब आप जाएंगे प्राणायाम में, प्राणायाम में, प्रतिहार में, ध्यान धारणा समाधि में। समाधि यानी बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं समाधि, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं मोक्ष, मुस्लिम लोग कयामत, ठीक है, मतलब अर्थ सबका एक ही है। मोक्ष हो जाना यानी हमारे स्थूल शरीर का दोबारा जन्म न होना, समाधि में चले जाना बौद्ध धर्म के अनुसार उसका भी वही मतलब है कि शरीर का दोबारा जन्म ना होना, यानी हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति का मिलन इस ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति से हो जाना। और शायद मुस्लिम लोग कहते हैं कि कयामत के दिन खुदा आएगा, उससे मुलाकात होगी, ठीक है, तो ये भी मोक्ष ही है। तो आप योग के अंदर जितना घुसेंगे आपको दिन प्रतिदिन जानकारी होती जाएगी। आप जितना योग के बारे में जानते हैं वो 1% भी नहीं है। आप योग के बारे में केवल इतना ही जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इतना ही जानते हैं कि योग एक साधारण व्यायाम है। नहीं दोस्तों, योग में बहुत कुछ है। प्राणायाम जो है वो योग की एक शाखा है। और आजकल आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की बातें पूरी दुनिया जानने लग गई है कि ऑक्सीजन कैसी होती है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल घटता है बढ़ता है, ये सब कुछ जानने लग गई है जब से COVID-19 आया तब से। लेकिन आपको पता है कि प्राणायाम में, योग में ऑक्सीजन की जानकारी बहुत साल पहले ही दे दी गई है। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर हैं या मेडिकल संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं, वो केवल एक ही चीज कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से आदमी या तो मरता है या बचता है, कमी या बढ़ोतरी से, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की पूरी जानकारी वो कभी नहीं दे पाए। और हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, इन्होंने ऑक्सीजन की पूरी जानकारी कई हजार साल पहले ही दे दी थी। इन्होंने ऑक्सीजन को प्राण तत्व कहा, ब्रह्म उष्मा कहा, और इसे 5 भागों में बांटा, जिसका नाम है प्राण, उदान, अमान, व्यान, समान। फिर उन्होंने प्राण को भी कई भागों में बांटा, फिर अमान को भी कई भागों में बांटा, समान को भी कई भागों में बांटा, यानी हर प्राण के उन्होंने फिर बहुत सारी शाखाएं निकाली। और हर चीज, कौन सा प्राण किस चीज को बढ़ाता है घटाता है, ये सब उन्होंने बताया। यानी ऑक्सीजन की पूरी जानकारी आपको लेनी होगी तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई किताबों में। प्राण तत्व के बारे में जानना पड़ेगा। शब्द बहुत छोटा है प्राण तत्व, लेकिन जब आप इसकी गहराई में घुसेंगे तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि यदि आप 2000 पन्ने भी लिखेंगे तो भी बहुत कम होगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार गले में उदान प्राण होता है, ठीक है। यदि हम गले में सोना धारण करते हैं तो हमारे यहाँ पर धन की कमी कभी नहीं होती है। यानी गले में यदि सोना है तो लक्ष्मी अपने आप, यानी पैसा अपने आप हमारे पास में आएगा। हमारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से बनेगी कि हम धन कमाने लग जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसमें भी और कुछ बताया है कि बहुत सारे लोगों को सोना सूट नहीं करता है। तब उन्होंने ये भी बताया है कि सोने के साथ कितने अंश में कौन सी चीज डालनी चाहिए कि जो वो सोना सूट करने लग जाए और हमारे द्वारा ऐसे काम होने लग जाए कि हमारे पास अपने आप धन आने लग जाए। सीधा सा कहें कि योग में सब कुछ है। यदि आप पूरा योग जान लेते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड को जान पाएंगे। लेकिन पूरा योग जानना इतना आसान बिल्कुल नहीं है। उसके लिए फिर आपको उसी चीज में घुसना पड़ेगा और काम धाम अपने कम करने पड़ेंगे। यानी योग एक बहुत बड़ी चीज है, केवल व्यायाम ही योग नहीं है। और उन्होंने, प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह भी बताया है कि ये जो प्राण तत्व हैं, कौन से प्राण तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है और किसकी अधिकता से क्या होता है, ये सब जानकारियां प्राचीन ऋषि मुनि बहुत पहले दे दिए थे ऑक्सीजन के बारे में, जो जानकारियां आजकल हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर भी नहीं दे पा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।